मैदान पर पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी की बखिया उधेड़ने वाले गौतम गंभीर ने एक बार फिर से अफरीदी की जबरदस्त धुलाई कर डाली है। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने से बौखलाए शाहिद अफरीदी को पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने ऐसा करारा जवाब दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई। गंभीर ने अपने ही अंदाज में शाहिद अफरीदी पर निशाना साधते हुए उन्हें बेटा कहा और कहा कि चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। शाहिद अफरीदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि यूएन क्या सो रहा है, जिसका जवाब देते हुए गौतम गंभीर ने भी ट्वीट किया और शाहिद अफरीदी को टैग कर लिखा, दोस्तों शाहिद अफरीदी बिल्कुल ठीक हैं, वहां पर अनुत्तेजित आक्रामकता है, वहां मानवता के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, वो ये मामला सामने लाए, इसीलिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। गंभीर ने इस वाक्य के आगे तालियां बजाता हुआ एक इमोजी भी इस्तेमाल किया। इसके बाद उन्होंने आगे लिखा, बस वो इसमें एक बात लिखना भूल गए कि वो ये सब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में हो रहा है। चिंता मत कीजिए, हम इसका भी हल निकालेंगे बेटा। दरअसल सोमवार को जब गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में ये ऐलान किया कि अब जम्मू कश्मीर से धारा 370 का अंत हो गया है, तभी से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाक सरकार से लेकर तमाम क्रिकेटर, अभिनेता और बड़ी हस्तियां ट्वीट कर इस पर हाय तौबा मचाने में लगे हैं और कश्मीरियों के लिए अपनी छाती पीट रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर हुए फैसले से भड़के शाहिद अफरीदी ने यूएन पर भी सवाल उठाए और कहा कि कश्मीरियों को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के आधार पर उनके अधिकार दिए जाने चाहिए। आजादी का अधिकार जो हम सभी को है, संयुक्त राष्ट्र संघ की रचना क्यों की गई है और ये क्यों सो रहा है। कश्मीर में लगातार जो मानवता विरोधी अनुत्तेजित आक्रामकता और अपराध हो रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले में जरूरी रूप से मध्यस्थ की भूमिका अदा करनी चाहिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब गौतम गंभीर ने शाहिद अफरीदी की बोलती बंद की हो। इससे पहले भी अफरीदी ने जब आजाद कश्मीर की वकालत की थी, तब भी गौतम गंभीर ने उन्हें करारा जवाब दिया था। दोनों खिलाड़ियों के बीच ये टक्कर क्रिकेट के मैदान पर भी देखने को मिली थी। साल 2007 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई थी। आपको बता दें कि भारत सरकार ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 370 के उन प्रावधानों को समाप्त कर दिया जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। अब जम्मू कश्मीर राज्य न रहकर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया है, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख होगा। जम्मू कश्मीर में एक विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा करने का जो मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभार हूँ। सभापति महोदय, आज भारत के इतिहास में वो दिन है, सभापति महोदय, आज भारत के इतिहास में वो दिन है जो गतियां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप में कांग्रेसों ने किया, उस गति का एक रेक्टिफिकेशन होने जा रहा है और हम सब इसका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत सारे लोगों ने, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बढ़िया बोलने दीजिए, बढ़िया बोलने दीजिए, आप लोगों का मैंने सुना, बहुत बोला आप लोगों ने, आप लोगों ने बोला, बैठिए, बोलने दीजिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता, सुनने की क्षमता रखिए। अध्यक्ष जी, बैठिए, 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 आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, बोलने दीजिए। अध्यक्ष जी, हाँ बोलिए। पूरे चर्चा को मैं अच्छी तरह से सुन रहा था और बहुत लोगों ने, मुझे खुशी हुआ, बहुत लोगों ने लद्दाख, लेह, करगिल के जिक्र किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या वाकई वो लद्दाख जानते हैं ये लोग?
आज तक बीते 71 साल 7 decades लद्दाख को बिल्कुल अपनाया नहीं, बिल्कुल फेंक के रखा वहां पे और वक्तव्य दिया, वक्तव्य दिया इसी सदन में। वो जमीन है का टुकड़ा है जहां पे एक तिनका का घास नहीं उगते हैं। ऐसे वक्तव्य देने वाले क्या लद्दाख को समझते हैं? क्या लद्दाख के विशेष संस्कृति को जानते हैं? क्या लद्दाख के भाषा को जानते हैं? क्या लद्दाख के रहन सहन खान पान वहां पे वहां के ज्योग्राफिकल कंडीशन क्लाइमेटिक कंडीशन जो दुर्गम क्षेत्र है क्या वो जानते हैं या खाली किताबें पढ़ के बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, लद्दाख ने पिछले 71 ईयर यूटी के लिए संघर्ष किया। हम भारत देश के अटूट अंग बनना चाहते थे। 1948 में 4 तारीख को पहला ज्ञापन लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के तब के प्रेसिडेंट ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था, तब के प्रधानमंत्री जी को कहा कि लद्दाख को या तो आप सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा कुछ बनाइए या नेफा टाइप बनाइए या ईस्ट पंजाब के साथ रखिए, लेकिन किसी भी कंडीशन में हमें कश्मीर के साथ मत रखिए, यह हमने कहा था। लेकिन जिनका सरकार था उन्होंने हमारे सुनवाई नहीं किया, जानने की कोशिश तक नहीं किया। और कश्मीर के नीचे आज तक हमारा डेवलपमेंट, हमारा पॉलिटिकल एस्पिरेशन, हमारा पहचान, हमारा भाषा लुप्त अगर हुआ है तो ये आर्टिकल 370 और कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। अध्यक्ष जी, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे वीरों का, कुशोक बाकुला रिंपोची जैसे महान व्यक्तियों का, थुपस्तान सेवांग जैसे जिन्होंने लद्दाख को यह दिशा दिया कि हमें भारत के साथ रहना है, भारत के जयकार करना है, अपने देश के लिए मत मिटने के लिए तैयार रहना है। और आज तक बहुत सारे यहां पे हिस्ट्री का रेफरेंस दे रहा था, मैं याद दिलाना चाहूंगा, चाहे 1965 के वार हो, 1971 का हो या 1999 का हो या 1948 के कबेले हमला का हो, इतिहास चेक करके देखिए, लद्दाख ने हमेशा बलिदान दिया, हमेशा देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज यहां पे मेरे साथी कश्मीर के ऑनरेबल मेंबर पूछ रहे थे धारा 370 हटने से क्या खोएंगे। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एक चीज जरूर खोएंगे वहां, 2 परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कुछ नहीं। सिर्फ 2 परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कश्मीर के भविष्य उज्जवल होने वाला है। सभापति महोदय, कारगिल के जिक्र कर रहा था यहां पे और सदन को मिसलीड करने की कोशिश कर रहा था। मैं कारगिल से चुन के आता हूं, मैं गर्व से कहता हूं कारगिल वालों ने यूटी के लिए वोट दिया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं सदन को, 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में यूटी हमारे लद्दाख के टॉप मैनिफेस्टो पे था और लद्दाख वालों ने, मेजोरिटी ने यूटी के लिए वोट दिया। 2019 के इलेक्शन में फिर हमने यूटी को इलेक्शन मैनिफेस्टो में लेके आया और हमने दोनों डिस्ट्रिक्ट में, चाहे बुद्धिस्ट का हो चाहे मुस्लिम का हो, दोनों डिस्ट्रिक्ट में, लेह का हो करगिल का हो, हर क्षेत्र में हर लोगों के दरवाजे पे जाके हमने लोगों को यूटी समझाया ये क्या है और लोगों ने बड़ी बहुमत के साथ, आज तक लद्दाख में जितना भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है रिकॉर्ड मार्जिन के साथ ये सदन में मुझे आने का लोगों ने अवसर दिया। लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के सरकार पे विश्वास किया, लोगों ने इस यूटी को स्वागत किया। आज करगिल की बात कर रहे हैं, क्या वो जानते हैं ये करगिल?
मुझे इस सदन में कहने के कोई संकोच नहीं है।